आकाश में जादुई दो सेब का घर। सूरजपुर के एक छोटे से गांव में यशोदा अपनी बेटी सुरू के साथ रहती थी। पति के मौत के बाद यशोदा के कंधों पर ही घर और बेटी की परवरिश की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए यशोदा ने घर पर ही सिलाई का काम करना स्टार्ट किया, लेकिन गांव में उसे सिलाई के बहुत कम ही पैसे मिलते थे। सुरू अभी स्कूल में पढ़ रही थी। सुरू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। वो हर बार अपने कक्षा में प्रथम आया करती थी। सुरू का पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने का सपना था। एक दिन यशोदा सिलाई कर रही थी, तभी सुरू आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ वो टीचर फीस के लिए बोल रही थी, 2 महीने से ज्यादा हो गया और इस बार आपने अभी तक फीस नहीं दिए। वो कह रहे थे इस बार फीस टाइम से नहीं दिया तो वो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। माँ तू चिंता मत कर बेटी, मैं कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरे टीचर से बात करती हूँ। नमस्ते मैडम। मैडम मैं वो कह रही थी, कृपया करके आप मेरी बेटी को अपने स्कूल से मत निकालिए। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ही शौक है और देखिएगा मैडम, एक दिन वो पढ़ लिख कर इस स्कूल के साथ साथ पूरे गांव और देश का नाम रोशन करेगी। प्लीज मैडम। वो सब तो ठीक है यशोदा जी, लेकिन घोड़े और घास की कभी दोस्ती हुई है क्या? अगर घोड़ा घास खाना बंद कर देगा तो वो भूखा नहीं मर जाएगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैडम मेरा यकीन करिए, मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए यशोदा जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। मैं आपके लिए उसे तो नहीं बदल सकती हूँ ना, और ना ही मैं उसके खिलाफ जा सकती हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने स्कूल में फ्री तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि आप अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देती। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत कहिए, आप मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं फीस जमा करा दूंगी। ठीक है। इतना बोलकर यशोदा घर तो आ जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपनी बेटी का फीस कैसे भरे। तभी उसकी नजर उसके सिलाई मशीन पर जाती है। आखिर क्यों ना मैं इस सिलाई मशीन को ही बेच दूं? आखिर ये मेरे किस काम की है? इस सिलाई मशीन से इतना काम भी नहीं हो पाता जिससे मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा करा पाऊं। यह सोचकर यशोदा शहर जाकर अपनी सिलाई मशीन को बेच देती है और उससे मिले पैसे को सुरू के स्कूल में जमा करा देती है। लेकिन अब उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं बचता है। 4 दिन हो गए थे लेकिन यशोदा ने कुछ नहीं खाया था। वह बस अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा चावल बना दिया करती थी और खुद मार पी कर सो जाया करती थी। फिर एक दिन, माँ आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप आज मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना दोगी? कितने दिन हो गया आपने खीर नहीं बनाई। अगर मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है तो मेरी बिटिया जरूर खीर खाएगी। यशोदा काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर बाजार में सेब बेच रही एक औरत पर जाती है जो सेब बेच रही होती है और लोग उसे सेब खरीद रहे होते हैं। अगर ये औरत होकर यहाँ बाजार में सेब बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं? मेरे पास तो जमीन भी है, फिर क्यों ना मैं उसमें सेब लगाकर शहर में सेब बेचूं? यह सोचकर यशोदा सेब का बीज लाकर अपने खेतों में छिड़क देती है और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती है। यशोदा की मेहनत बहुत जल्दी रंग लाती है और कुछ ही दिनों में उसके खेतों में खूब सारे सेब फरते हैं। यह देखकर यशोदा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर अपने खेतों से सेब तोड़कर शहर ले जाकर बेचने लगती है। यशोदा के सेब बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। यशोदा अब अपनी बेटी सुरू की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। ऐसे ही उनके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे।
लेकिन तभी उसकी खुशियों को जाने किसकी नजर लग जाती है। एक शाम जब यशोदा सेब बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। माँ के गुजर जाने के बाद सुरु अनाथ हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुरु खुद को संभालकर पहले की तरह स्कूल जाने लगती है, क्योंकि जल्दी ही उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब सुरु स्कूल पहुंची, तब उसे पता चला परीक्षा में बैठने से पहले सभी बच्चों को उसकी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर सुरु सोच में पड़ जाती है। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत जो भी पैसे बचे थे, वह भी घर के राशन लाने में खत्म हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने घर की जरूरतों को भी पूरा कर सकूं। अब मैं स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? सुरु ये सोच ही रही थी, तभी उसके घर पर सोहनलाल मंडी वाला आता है और सुरु से कहता है, अरे सुरु बेटा, कैसी हो? तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत भली औरत थी बेचारी। अच्छा बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारी माँ ने अपने खेतों में जो सेब लगाए हैं, वो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। इतनी गर्मी में बिना किसी खाद के तुम्हारे खेत में सुंदर सुंदर और अच्छे सेब हैं। इस समय सेब की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे खेत के सारे सेब खरीदने आया हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए भी दे रहा हूँ। यह सुनकर सुरु का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। 50,000 रुपए? इससे तो मेरी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। और तो और, इस पैसों से मैं अपने स्कूल की पूरे एक साल की फीस एक बार में ही भर सकती हूँ। ठीक है सोहनलाल जी, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, ये लो 20,000, बाकी के पैसे मैं कल खेत पे ही दे दूंगा। मैं कल ही आकर सारे खेत के सेब तोड़कर शहर भेज दूंगा। तब तक तुम सेब के बगीचे की रखवाली करना। इतना बोलकर सोहनलाल वहाँ से चला जाता है। इधर सुरु खुशी खुशी उन पैसों को लेकर बाजार जाती है और अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर लाती है। अब तो मैं कल स्कूल जाकर अपनी फीस भी भर दूंगी और पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन उसकी खुशी कुछ ही पल की थी। सुरु जब रात में अपने घर में सो रही थी, तभी उसके बगीचे में कुछ चोर आकर उसके बगीचे का सारा सेब चुरा कर ले जाता है। सुबह होते होते उसका सेब का पूरा बगीचा साफ हो जाता है। इधर इन सब बातों से अनजान सुरु सुबह उठते ही खुशी खुशी स्कूल जाकर अपनी सारी फीस जमा कर देती है। इधर जब सोहनलाल बगीचे में सेब तोड़ने आता है, तो वह देखता है कि बगीचे में तो सेब ही नहीं लगा है। ये सुरु की बच्ची तो बहुत चालाक निकली और रात भर में अपने बगीचे से सारे सेब गायब भी करा दिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वह गुस्से से सुरु के घर आया। सुरु, तूने सेब रातों रात किसे बेच दिए? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल आपने ही तो मेरे बगीचे का सारा सेब का सौदा किया था, भला मैं और किसे सेब बेचूंगी? वाह, पढ़ लिखने का यही फायदा होता है। बड़ी आसानी से तुम किसी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चल जल्दी से मेरे पैसे वापसी कर। अगर तुझे किसी और को ही सेब बेचना था, तो तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए? देखिए सेठ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपके अलावा किसी को सेब नहीं बेचे। हो सकता है कोई जंगली जानवर या कोई चोर आकर मेरे बगीचे का सारा सेब चुरा कर ले गया हो। मेरा यकीन करिए, मैंने किसी और को सेब नहीं बेचा। वो सब मैं नहीं जानता। तुम मुझे कहीं से सेब ला के दो या फिर तुम मेरे पैसे वापसी करो। मैं तुम्हारी वजह से अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं सह सकता। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, समझी? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। या तो मुझे सेब ला के दो या फिर मुझे मेरे पैसे वापसी करो। सुरु यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे पैसे वो कहाँ से लेकर आए। उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, वह सेठ के पैसे कहाँ से देती? वह यही सब सोचते सोचते नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे वहाँ सोने की सीढ़ियाँ दिखाई दी, जो आसमान की तरफ जा रही थी। अरे ये क्या, कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, आज अचानक यहाँ पर ये सीढ़ियाँ आखिर कहाँ से आ गई?
एक बार मैं इन सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ, आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है। ये कहते हुए सुरू उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते कुछ ही देर में वो आसमान के पास पहुँच गई। वहाँ उसे दो सेब का बहुत ही खूबसूरत घर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले सेब घर में से आवाज आई, सुरू तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में प्रवेश करोगी तो तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेगा। इतना धन कि तुम्हें जिंदगी में कभी कमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें सदा के लिए इसी सेब के घर में रहना होगा। इतने में ही दूसरे सेब के घर में से आवाज आई, सुरू तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत हो, और तुम यहाँ से उन पैसों को लेकर अपने घर भी जा सकती हो। अब बताओ तुम कौन से सेब के घर में आना चाहोगी। सुरू ने कुछ देर सोचकर उन दोनों जादुई सेब के घर से कहा, जादुई सेब के घर मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन दौलत चाहिए। मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही सिखाया है, इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं दूसरे जादुई सेब के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद सुरू जैसे ही दूसरे जादुई सेब के घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे उस घर के अंदर ढेर सारा रुपया, सोना और ढेर सारे हीरे जवाहरात दिखाई देते हैं। यह सब देखकर सुरू हैरानी से बोली, जादुई सेब के घर, आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। सुरू मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। तुम पैसों की वजह से इतनी परेशान थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उस पहले जादुई सेब के घर में जाने से इनकार कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई सेब घर की बात सुनकर सुरू बहुत ही खुश हुई, और वो जादुई सेब के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारा सोना चांदी लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आई। और घर आकर उसने सबसे पहले 50,000 रुपए सोहनलाल मंडी वाले को दे दी, और उसके बाद बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करती है, और जल्दी ही वो बहुत बड़ी कलेक्टर बनकर अपने गांव और देश की सेवा करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।